मंडी संसदीय क्षेत्र में सांसद निधि का आवंटन बिना क्षेत्रीय भेदभाव के साथ किया गया है। वर्ष 2014 से 18 तक मंडी लोकसभा क्षेत्र में कुल 23 करोड़ 6 लाख 15 हजार रुपए के करीब सांसद निधि का आवंटन किया गया। ये बात पद्धर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजयुमो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य चंदन पंडित ने कही। उन्होंने कहा कि सांसद राम स्वरूप शर्मा के प्रयासों से केंद्र की योजनाओं का लाभ मंडी संसदीय क्षेत्र को मिला है। मंडी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए भूमि चिन्हित करने का कार्य, देश की 9वीं क्लस्टर यूनिवर्सिटी, नेरचौक मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ आदि योजनाओं में सांसद का अहम रोल रहा है। उन्होंने कहा कि विरोधी दल षड्यंत्र के तहत मोदी और सांसद का दुष्प्रचार कर रहे हैं। इस मौके पर विनय शर्मा, अजय, मनोज, नरेंद्र, खुशवंत। सांसद निधि के अंतर्गत 134 विविध योजनाओं के लिए 1,60,35,056 रुपए प्राप्त हुए, जो कि मतलब पूरे संसदीय क्षेत्र में द्रंग को तीसरे नंबर पर सर्वाधिक सांसद निधि प्राप्त हुई है। इसके अलावा आपकी 9वीं क्लस्टर यूनिवर्सिटी का शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने किया है, जिसके अंतर्गत आपका द्रंग विधानसभा क्षेत्र का नारला कॉलेज भी आता है। इसके अलावा द्रंग विधानसभा क्षेत्र की भूभू जोत की सुरंग की स्वीकृति के लगभग पूरी कार्यप्रणाली हो चुकी है और उसका शीघ्र युद्ध स्तर पर कार्य चलने वाला है। द्रंग में 300 करोड़ से नमक का उद्योग लगने जा रहा है, जिसके अंतर्गत भूमि अधिग्रहण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और आने वाले समय में जल्दी उसका कार्य शुरू हो जाएगा। ब्रिक्स के अंतर्गत विविध सिंचाई परियोजनाओं के लिए लगभग 300 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे कि विविध पेयजल परियोजना और सिंचाई योजनाओं का कार्य आरंभ होगा। इसके अंतर्गत मंडी और कुल्लू में पासपोर्ट बनाने का कार्य शुरू हो चुका है। नेशनलाइज बैंकों की विविध शाखाएं, एटीएम और डाकघरों का विस्तार किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्राप्त होगा, जिससे हजारों परिवार हिमाचल में भी लाभान्वित होंगे। एक हमारे आयुष मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय आयुर्वेदिक पोषण जन्य विकार अनुसंधान संस्थान पंडुओं में खोलकर जो जनता को समर्पित किया जा चुका है। इसके अलावा मंडी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य लगभग पूरा शुरू हो चुका है और शीघ्र ही उसके पूरा करके उसके निर्माण कार्य को भी शुरू कर दिया जाए। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए पद्धर से नवीन निश्चल शर्मा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन, अगर आप हिमाचल प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आपकी आयु 18 से 40 वर्ष तक है तो आप 60 वर्ष की आयु में 3000 रुपए प्रति माह पेंशन के हकदार हैं। पात्र हिमाचली सेवा केंद्र में मुफ्त पंजीकरण करवाएं, हर महीने 75 से 200 रुपए अंशदान जमा करवाएं और भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला के श्रम अधिकारी एवं श्रम निरीक्षक से संपर्क करें।